और देखिए। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। लेकिन एक ओर जहां कांग्रेस ने सिर्फ एक ही महिला प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव लड़वाया था, तो वहीं बीजेपी ने इससे उलट 6 महिला कैंडिडेट को मौके दिए थे और सभी ने जीत हासिल की। बीजेपी की ओर से मैदान में उतरी सागर से लता वानखेड़े, भिंड से डॉक्टर संध्या राय, शहडोल से हिमाद्री सिंह, बालाघाट से भारती पारधी, धार से सावित्री ठाकुर और रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। जबकि कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट से महिला प्रत्याशी रीवा सीट से नीलम अभय मिश्रा को टिकट दिया था। इसमें खास बात यह है कि इन 6 महिला सांसदों में 3 महिला सांसद पुरानी है। इनमें डॉक्टर संध्या राय, हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर शामिल है। वहीं अनीता नागर सिंह चौहान, लता वानखेड़े और भारती पारधी पहली बार संसद जाएंगी। वहीं अनीता चौहान, सावित्री ठाकुर और हिमाद्री सिंह आदिवासी वर्ग से आती हैं। इस लिहाज से संसद में अब आदिवासी समाज की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस बात पर बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी महिला आरक्षण लाई थी ताकि महिला आगे बढ़ सके, उसी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की महिला सांसदों के जरिए प्रदेश की आधी आबादी को भी अपना प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके मुद्दे संसद में सुनाई देंगे। देखिए, सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को अपना प्रमुख बिंदु रखा है और जिस प्रकार से महिलाओं का नेतृत्व हमने बढ़ाया है, 6 सांसद हमारी संसद में आपको देखने को मिलेंगी, तो अवश्य ही महिलाओं ने हमें आशीर्वाद दिया है। यही कारण है कि जो हम इतनी ऐतिहासिक विजय को इस बार प्राप्त कर पाए हैं। आधी आबादी जो हमारी है उसने वोट देकर हमें ये विजय दिलाई है। वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को पूरी तरह से साइडलाइन किया गया है। यहां के फैसले भी केंद्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा और प्रदेश की महिला सांसदों को पूरा हक मिलेगा। देखिए, महिलाओं का 33% जो आरक्षण की बात थी, इसका मसौदा श्रीमती सोनिया गांधी ने तैयार किया, लड़ाई लड़ी और दिलाने की कोशिश की और आरक्षण हुआ। और आज अगर 6 सांसद मध्य प्रदेश से जीती है, निश्चित रूप से उन्हें स्थान मिलना चाहिए। भाजपा के कद्दावर नेता निर्णय लेते थे मध्य प्रदेश से भाजपा में, आज स्थिति ये हो गई कि पर्ची वाले तो मुख्यमंत्री आने लगे हैं। जिस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बदौलत इनकी सरकार बनी है, उनको तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखना होगा मोदी 3.0 की सरकार में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है और उसमें मध्य प्रदेश की महिला बीजेपी की सांसदों की संख्या क्या होगी। मध्य प्रदेश में इस बार नारी शक्ति को शानदार जनादेश मिला है। एक लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश से 6 महिला सांसद चुनी गई है। हालांकि देखना होगा कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी को संसद में इस बात का कितना फायदा मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी